hit me the snake thing, snake thing, snake thing. Up me conquer snakes. Pudding. अब मुझे क्या चाहिए? है चम्मच, चम्मच, चम्मच. मैं इस चम्मच से खाऊंगा पुडिंग, पुडिंग. मैं खाऊंगा पुडिंग, पुडिंग है मेरी फेवरेट. मैं खाऊंगा पुडिंग, टेस्टी टेस्टी पुडिंग. मैं आ गया हूँ पुडिंग. मुझे जाना पड़ेगा पुडिंग, तुम मेरी यहाँ पर वेट करना. मैं अभी जल्दी बाथरूम जाकर आता हूँ. अच्छी नींद आई, मुझे भूख लगी है, कुछ अच्छा सा खाना. अरे वाह, यहाँ तो पुडिंग है, मैं इसे ही खा लेती हूँ. अब मैं फ्री हो गया, मैं खाऊंगा पुडिंग, टेस्टी टेस्टी पुडिंग. मेरी प्यारी चम्मच, तुम्हें इंतजार करवाने के लिए सॉरी. मैं आ गया. लगता है मॉम ने मेरी पुडिंग खा ली, मुझे बहुत बुरा लग रहा है. शिनचैन, जरा यहाँ आना. बोलिए मॉम. शिनचैन, तुमने अपने कमरे को इतना गंदा क्यों कर रखा है? तुम ऐसा क्यों करते हो? मैंने तुमसे कहा है कि घर में गंदगी मत फैलाया करो. लेकिन ये बताओ, क्या तुम मेरा कहना कभी नहीं मानोगी? क्या तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आती? मैं मानती तो हूँ, पर इस बार आप मेरी बात मान लीजिए. बेटी बिना बताए टूर पे चली गई है. ये क्या मिकी, ये तुमने क्या कर दिया? अब हम तुम्हें कहाँ ढूंढेंगे? अगर मुझे पता होता कि वो इस तरह चली जाएगी तो मैं उसे कभी मना नहीं करती. मुझे उसकी बात मान लेनी चाहिए थी. मैं भी अब कुछ ऐसा ही करूँगा. मुझे बाहर जाने से पहले क्या लिखना चाहिए? क्या लिखूं? प्यारी मॉम और डैड, मैं घर से बाहर जा रहा हूँ. आपका शिनचैन. चलो चली, कुछ खाने पीने का सामान भी साथ में ले जाता हूँ. और भी कुछ सामान लेना बाकी है. तुम ही ले लेता हूँ. कमांडर शिनचैन मिशन के लिए तैयार. ठीक है मॉम, अब शिनचैन घर से बाहर जा रहे हैं. शीरो से भी मिलना होगा. शीरो तुम अपना ध्यान रखना, खुद बनना, बड़े होकर बहुत बड़े आदमी बनना. और हाँ, मेरी चिंता बिल्कुल भी मत करना. मैं जानता था तुम मेरे बिना नहीं रह पाओगी. मैं घर से तो निकल आया, पर पता नहीं मुझे कहाँ जाना चाहिए. वहाँ लिखा है, अगर आप नहीं जानते आपको कहाँ जाना है तो इंक्वायरी में पूछिए. अरे क्या तुमको कोई मदद चाहिए? मैं हूँ शिनचैन नोहारा. ओ अच्छा, तो तुम्हारा नाम शिनचैन है. खबरदार अंकल, मेरे पास मत आना. अगर मैंने एक्शन बीम का इस्तेमाल कर दिया तो अंकल आप बेदोष हो जाएंगे. बेदोष नहीं होता बच्चे, बल्कि बेहोश होता है, समझे? अरे मुझे कोई बचाओ, मुझे कोई बचाओ. अरे ये क्या हो रहा है? कहना पड़ेगा अंकल, करते हैं. अच्छा बच्चे, ये बताओ अब तुम्हें काम क्या है? मैं अपने घर से बाहर आया हूँ, आप मुझे एक ऐसी जगह बता दीजिए जहाँ मैं आराम से रह सकूँ और कोई मुझे परेशान भी ना करे. उस जगह को मेरे घर के नजदीक होना चाहिए और मार्केट के भी नजदीक होना चाहिए ताकि मैं कुकीज ले सकूं. अरे बच्चे देखो, मैं बहुत बिजी हूं, तुम बाद में आना. जी हाँ, मैं इस इलाके का इंचार्ज बोल रहा हूँ. क्या कहा? वहाँ चोरी हुई है. आप रुकिए, मैं अभी आता हूँ. मैं शिनचैन नोहारा बोल रहा हूँ. मुझे चॉकलेट बहुत पसंद है. मेरी मम शॉपिंग पे गई है और पुलिस अंकल चोर को पकड़ने गए हैं. कुछ समझ नहीं आ रहा. माँ को पता नहीं चलना चाहिए कि हम यहाँ हैं. याद नहीं आ रहा कि मुझे और क्या क्या खरीदना था. अपने लिए कोई टेस्टी चीज ले लीजिए मेरी प्यारी. हाँ याद आया, शिनचैन के लिए कुछ केक्स ले लेती हूँ. हाँ?
शिनचैन, क्या तुमने हाथ धो लिए? हाँ धो लिए। के खाने के बाद अपने खिलौने संभाल लेना, समझ गए? ठीक है। मेरी बेटी माँ, मेरी प्यारी माँ। मिकी, हमें खुशी है कि तुम लौट कर हमारे पास आ गई। आज होगा स्विमिंग कॉम्पिटिशन। मैं स्विमिंग कॉम्पिटिशन में नहीं जाना चाहता। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो मसाओ? मैं तो इसका बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। सुनो 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 दोस्तों, मसाओ की भावनाओं को समझो, क्योंकि उसे बिल्कुल तैरना नहीं आता। मुझे तो यकीन ही नहीं आता कि शिनचैन ऐसी बात। तुम्हारा बहुत शुक्रिया कज़ामा। वो कहेगी मुझे अपनी तारीफ सुनना बहुत ज्यादा पसंद है। मैं तुम्हारी तारीफ नहीं कर रहा था शिनचैन। मुझे लगता है कि हम सभी को मसाओ की मदद करनी चाहिए। चलो मसाओ की मदद के लिए योशिनागा मैम के पास चलते हैं। तुमने सही कहा। मदद लो, मदद लो, हम तुम्हारे साथ हैं। हाँ मसाओ, लेकिन दोस्तों मुझे तो ठीक से स्विमिंग भी नहीं आती। अगले दिन। मेरी बात तो सुनो मसाओ, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, चलो आओ। जी मैम। अब शिनचैन और कज़ामा की तरह तुम भी जल्दी से पानी में उतर जाओ मसाओ। बिल्कुल मत घबराओ मसाओ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। जल्दी करो, शुरू करते हैं। तुम बहुत ही बहादुर बच्चे हो मसाओ। चलो बच्चों शुरू करो। मसाओ रेडी गो। कोशिश करके अपनी आंखें खोलो। देखा ये कितना आसान है, तुम कितनी जल्दी सीख रहे हो। देखो ऐसा करो, अब तुम एक बोर्ड की मदद से स्विमिंग सीखो। ठीक है। सुनो शिनचैन, जरा बोर्ड इधर लेकर आना प्लीज। ठीक है। जरा मुझे देखो। बस बहुत हुआ, चलो मसाओ आगे बढ़ो। अगले हफ्ते। शाबाश, आगे बढ़ो। देखो अगर तुम रेस में फर्स्ट है तो मैं तुम्हारे लिए प्यारा डांस करूंगा। ध्यान से सुनो शिनचैन, मुझे तुम्हारा डांस नहीं देखना। लगता है कज़ामा को मेरी बात अच्छी लगी। ऐसी कोई बात नहीं है शिनचैन। तुम अभी मैं तुम्हारा यहाँ कहना मानने नहीं आया हूँ, समझा शिनचैन? रोज ग्रुप के बच्चे तो आगे निकल गए, पर सनफ्लावर ग्रुप के बच्चे पीछे क्यों रह गए? अरे मेरी तो सारी कोशिश बेकार गई। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है शिनचैन। सनफ्लावर ग्रुप इस बार भी हार जाएगा, देख लेना जीतेगा जरूर रोज ग्रुप ही। सुनो कावामुरा, तुम्हें हमारे ग्रुप को जरूर जिताना है, ठीक है? इस कॉम्पिटिशन को हमारे अलावा और कोई नहीं जीत सकता। सुनो शिनचैन, तुम्हारी इन हरकतों से मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ता, रेस तो मैं ही जीतने वाला हूँ। अच्छा चीता, तो ये बात है। मसाओ जाओ और अपने कमाल दिखाओ। क्या कहा मैं? घबराओ मत मसाओ, तुम हारो या जीतो से कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। सब बच्चे अपनी पोजीशंस ले लीजिए, अब पता चलेगा कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। और तुम ये फैसला कैसे करोगे? फैसला नहीं कहते शिनचैन, फैसला कहते हैं। रेडी। वाओ बहुत अच्छे शिनचैन। जीता तुम्हें जीतना ही होगा। शिनचैन मैं आ रहा हूँ। चलो अब जल्दी से अपनी रफ्तार बढ़ाओ कावामुरा। मैं तुम्हें कभी नहीं जीतने दूंगा शिनचैन, समझे? तो अब आखिर में दोनों ग्रुप्स के बच्चों के बीच होगी एक रिले रेस। रिले रेस का क्या मतलब होता है? रिले रेस का ये मतलब होता है कि इसमें सबको हिस्सा लेना होगा। इसका मतलब मसाओ भी हिस्सा लेगा? नहीं बिल्कुल नहीं। मसाओ मसाओ सुनो मसाओ, ये देखो। घबराओ मत मसाओ, रेस में हिस्सा लो, अगर तुम धीरे भी गए तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं मैम। उस दिन तो तुम बहुत अच्छी तरह तैर रहे थे ना? मैं तैर नहीं रहा था, वो तो मेरे डरने की वजह से हो गया। बस नैनी तुम कर सकती हो, इस तरफ आओ। तुम चाहे जितनी कोशिश कर लो लेकिन जीतेगा तो रोज ग्रुप ही। लेकिन क्यों? उधर देखो, अंका पिछले 3 साल से स्विमिंग का चैंपियन रह चुका है, उसे हराना मुश्किल है। मैं चला। जीता देख लेना, आज के कॉम्पिटिशन में मैं ही जीतूंगा।
अरे हम जीत गए। रिले रेस में जीत हुई सनफ्लावर ग्रुप की। मुझे तो यकीन ही नहीं आता। वाह, तुम बहुत अच्छा तैरते हो। मसाओ, बहुत बढ़िया। ये सब कैसे हो गया? मैं हैरी, आप कहाँ जा रहे हैं? गेम के लिए। बस भी कीजिए, छुट्टी वाले दिन तो आप कम से कम घर में रहिए। अरे वहाँ मुझे अच्छा लगता है। तो मैं भी आपके साथ चलूंगा डैड। तो ठीक है, आप शिनचैन को भी अपने साथ ले जाइए। लेकिन मित्सी, मैं इसे अपने साथ नहीं ले जा सकता। आपको सोचना चाहिए कि परिवार को भी आपके वक्त की जरूरत होती है। अरे वो मैं जानता हूँ, लेकिन जीत गया तो मुझे इनाम में कई अच्छी अच्छी चीजें मिलेंगी, इसीलिए मैं जल्दी से जाकर अच्छी गेम खेलना चाहता हूँ। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ। मैंने सोचा मैं भी आपके साथ चलूं। और मैंने भी। वो इसलिए कि अगर आप परिवार के साथ नहीं रह सकते तो परिवार ही आपके साथ चला जाएगा। मैंने ठीक कहा ना मेरी? बिल्कुल सही कहा मां। अब जब तुम दोनों गाड़ी में आ ही गए हो तो ठीक है, फिर चलो मेरे साथ। स्वागत है, आप सभी का स्वागत है। जिस किसी के पास भी वक्त है वो आकर वीडियो गेम्स का मजा ले। यहाँ बहुत शोर है। तुम्हें जल्दी ही इसकी आदत हो जाएगी। सुनिए, हम यहाँ पर कौन सा गेम खेलने वाले हैं? वहाँ उस तरफ जो गेम्स हैं, लेकिन उनमें जीतना इतना आसान नहीं है। वहाँ पर कुछ खाने को है, मैं देख कर आती हूँ। अरे वाह, इतनी बेहतरीन चीजें और वो भी सिर्फ 2000 रुपए में। हैरी, क्या हम इसे खरीद सकते हैं? अरे इतनी जल्दी मत करो, ज्यादा वक्त खरीद लेंगे। पर अगर ये खत्म हो गया तो? अरे नहीं हैरी, मुझे ये लगता है कि बाद में ये हमें नहीं मिलने वाली। ऐसा नहीं है मित्सी, ये सोचो कि अगर हम जीत गए तो इसे आसानी से खरीद सकते हैं। ये बहुत सस्ता है, क्या हम इसे प्लीज खरीद लें? बेटा खरीदेंगे तो तब ना जब गेम में जीतेंगे। गेम शुरू करते हैं। उससे पहले ये रहे आपके पैसे। बस इतने से? बिल्कुल, क्योंकि खर्चे के लिए आपको इतने ही पैसे मिलेंगे। लेकिन इतने से पैसे तो जरा सी देर में खत्म हो जाएंगे मित्सी। बाकी के पैसों से मैं शॉपिंग करूंगी हैरी। मैं भी खेलूंगा। देखो शिनचैन, ये वीडियो गेम बड़ों के लिए है। शिनचैन बेटा चिंता मत करो, मैं जल्दी ही एक गेम खेलूंगा, उसके बाद तुम खेल लेना, बस तब तक के लिए इंतजार कर लो। ठीक है। अच्छा तो शुरू करते हैं। शायद आपको गेम खेलना बंद करना चाहिए। अभी तो शुरू ही हुआ है मित्सी। तो फिर मैं भी खेल कर देखती हूँ। मॉम, उन्हें प्लीज मुझे दे दीजिए। शिनचैन, मैंने तुमसे कहा था ना कि ये गेम बच्चों के लिए नहीं है। वाह, शायद मैं जीत रही हूँ। अभी पता चल जाएगा। देखो शायद मैं जीत रही हूँ, मैं जीत रही हूँ। क्या नंबर आया तुम्हारा? ओह वाह, ये तो मजेदार है। आपको बहुत बहुत बधाई हो मैम। दीदी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे ये क्या है? अरे मित्सी, किसी का अगर गेम में 777 नंबर आ जाए तो फिर वो किसी भी मशीन पर खेल सकता है, यानी कि तुम भी। ओह वाओ, चैंपियन बन सकती हूँ, क्यों है ना हैरी? डैड मैं कब खेलूंगा? बस थोड़ी देर बाद बेटा। कितनी देर? बस थोड़ी देर और बेटा। शिनचैन बेटा जल्दी से जाओ और मॉम के बैग से मेरा पर्स ले आओ, लेकिन उसे बिना बताए, समझ गए ना? मैं लाऊं? डरो मत बेटा, तुम बहुत बहादुर बच्चे हो। जाओ जाओ यहाँ से। चलो पर्स लाओ। कौन सी मशीन अच्छी है? डैड मुझे लगता है ये मशीन अच्छी है। अच्छा तो आओ बेटा, हम इसी पर खेलते हैं। अरे वाह, आज तो मजा ही आ गया। अरे तुम बिल्कुल चिंता मत करो चिंचन बेटा, मुझे यकीन है कि इस मशीन पे भी हम गेम जरूर जीतेंगे। ऐसी बात नहीं है, मैं सुबह से इस मशीन पर 8 बार ट्राई कर चुकी हूँ, मुझे नहीं लगता ये काम करेगी। चिंचन बेटा चलो कहीं और चलते हैं। कुछ नहीं मिल
हमें मिलेगा। डैड मैं भी ट्राई करना चाहता हूँ। थोड़ा सब्र करो। मैं अभी खेलूंगा। डैड मुझे खेलने दीजिए ना। ठीक है बेटा, ठीक है, रुको, ये लो। अरे वाह, बताओ हैरी कैसा चल रहा है? कुछ खास नहीं। लेकिन मेरी गेम तो खत्म हो गई। तो घर चलें क्या? अच्छा चलो ठीक है, घर चलते हैं। घर जाते जाते हम डिनर बाहर से खरीद लेंगे। क्या हुआ? कुछ नहीं, वो बात यह है कि आज यहाँ पर गलती से मेरे सारे पैसे खत्म हो गए। क्या सारे पैसे खत्म हो गए? अब हम रात के खाने के लिए क्या करेंगे? मैंने सोचा आपके पास पैसे होंगे, इसलिए मैंने अपना पर्स भी नहीं लिया। तो हम क्या करें? बार बार आप मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं? सॉरी। ऐसा करते हैं, मेरे बैंक से पैसे निकालते हैं। आपके तो अकाउंट में भी पैसे नहीं है। अरे वाह, मैं जीत गया। हटिए, ये मेरी सीट है, प्लीज हटिए ना। शिनचैन ऐसा करो, अपने डैड को खेलने दो बेटा। अच्छा, जो चाहिए था हमें मिल गया मित्सी। लेकिन डैड मुझे तो एक्शन कम ही चाहिए था। अरे हाँ शिनचैन, मैं तो भूल ही गया था, अगली बार जब मैं जीतूंगा तो तुम्हें एक्शन कम